पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लड़कियों पर कितनी ही बंदिशें हैं, उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता, पर्दे में रहना पड़ता है, बंद दीवारों के भीतर कैद होना पड़ता है। लेकिन यहां पर ही एक बेटी ऐसी है जो गुरुकुल चला रही है। फूस की झोपड़ी से शुरू हुआ ये कारवां अब एक आधुनिक महल में तब्दील हो गया है। देश के विभिन्न हिस्सों की बेटियां यहां पढ़ाई करती हैं, गुरुकुल परंपरा में पारंगित हो रही हैं। एक बेटी ने 14 साल पहले अपना घर छोड़ा, शादी नहीं की। समाज में बेटियों से पक्षपात और दुर्व्यवहार ने मन में एक टीस पैदा कर दी थी और वो अबला को सबला बनाने में जुट गई। वो विचार मेरे दिमाग में बार बार आते थे कि मुझे यहाँ से जाना है और कुछ करना है, क्योंकि मुझे आवाज़ें आती थी कि तू आ जाओ, तुम आ जाओ, तू चल यहाँ से चल। कहाँ जाना है मुझे कुछ नहीं पता था। और एक दिन सर ऐसा हुआ कि 10 जुलाई 2000 को मैंने अपना घर छोड़ दिया। साल 2005 में रश्मि ने परीक्षितगढ़ ब्लॉक के नारंगपुर गांव में श्रीमद दयानंद उत्कर्ष आदर्श कन्या गुरुकुल खोला। एक झोपड़ी से शुरुआत हुई जहां 5 बच्चियां आती थी पढ़ने के लिए। हमने 5 कन्याओं से शुरू किया, वहां आम का एक पेड़ था, वहीं नीचे हम बैठ के पढ़ाई करते थे और एक कमरा था हमारे पास, वहीं पे हम खाना भी बनाते थे और वहीं सोते भी थे। धीरे धीरे बच्चियों की संख्या बढ़ी तो खाने पीने और रहने की चिंता बढ़ गई। रश्मि ने खुद गुरुकुल के लिए दान मांगना शुरू किया। गांव कस्बे से अनाज इकट्ठा कर गुरुकुल के लिए वो सालों भर का राशन जुटाने लगी। जो भी आप ये देख रहे हैं सब कुछ दान से ही है, लोगों के सहयोग से ही है। अब तो लोग काफी विश्वास करते हैं और गेहूं आदि की व्यवस्था भी सब दान से होती है। गुरुकुल की सारी व्यवस्था सब दान से ही चलती है और अनाज के समय हम किसानों के पास जाते हैं और उनसे गेहूं मांगते हैं, घर घर जाके गेहूं मांगते हैं, गेहूं लेके आते हैं और हम 70-80 क्विंटल साल भर में हमें चाहिए होता है तो हम सब इकट्ठा कर लेते हैं। एक छोटी सी झोपड़ी से शुरू हुआ कारवां आगे बढ़ने लगा। बच्चियों की संख्या बढ़ी तो समाज सेवियों के सहयोग से नारंगपुर में जमीन मिल गई। कन्या गुरुकुल के भवन का शिलान्यास हुआ, 14 कमरे तैयार हो गए, लेकिन यहां तक पहुंचने वाली सड़कें आज भी उपेक्षित पड़ी हैं। 22 नवंबर सन 2007 में इसकी नींव रखी गई गुरुकुल की और 2008 में हमने 2 कमरे बनाए और यहां यथावत विधिवत रूप से कार्यक्रम हमारा शुरू हुआ। लेकिन अब जो देख रहे हैं आप, इस समय हमारे पास 8 बीघे जमीन है। असम, अरुणाचल, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, बंगाल जैसे राज्यों से 65 बच्चियां इस गुरुकुल में आई हैं, जो केवल जो न सिर्फ किताबी ज्ञान सीख रही हैं, बल्कि वेदों की जानकारी, योगा सहित लाठी चलाना, तलवारबाजी और मार्शल आर्ट भी सीख रही हैं। ये अनोखे करतब दिखाती हैं। देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा है इन बच्चियों में। ये बच्चियां सबल हो रही हैं। नारंगपुर का ये गुरुकुल उस गुरुकुल परंपरा की याद दिलाती है जहां बच्चे घर छोड़कर गुरुकुल में रहा करते थे, वहीं पढ़ाई करते थे, भिक्षाटन से अपना भोजन इकट्ठा करते थे, गुरु का सारा काम संभालते थे। यहां का नज़ारा भी कुछ वैसा ही है। यहां फर्क इतना है कि यहां 60 बच्चियां हैं जो असम और मिजोरम जैसे राज्यों की है, गुरुकुल परंपरा में यहाँ शिक्षित हो रही है। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ मैं धीरज कुमार, डीडी न्यूज, मेरठ। बासी और सड़े गले ख्यालातों, धारणाओं को खरपतवार की तरह जहन से बाहर निकालना होगा, शायद तभी हमारी बेटियां बच पाएंगी। एहसास में बेटी बचाओ अभियान जारी रहेगा। आज के अंक में बस इतना ही।